सबसे पहले तो आपको ये सामने का व्यू दिखाते हैं अपने घर के, मतलब गौशाला है उसके सामने के पहाड़ों का व्यू अभी शाम का टाइम है और धूप बिल्कुल जा चुकी है, ऐसे इस तरफ से थोड़ी थोड़ी आ रही है। और यहाँ पे प्याज लगाने का काम कर रहे हैं मेरे माता जी, यहाँ पे ये प्याज लगाया हुआ सारा, ये देखो यहाँ पे ये प्याज लगा लिया हमने थोड़ा सा अभी। और ये है प्याज इस तरफ रखा हुआ हमने, और प्याज की पनीर तैयार की थी हमने यहाँ पे, ये किए है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और एक ये है यहाँ पे, ये भी काफ़ी सही है। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ अक्सर, ये वाली सारी। और इस तरफ को अपने ये खेत, उस नीचे वाले खेत पे यहाँ पे हमने आलू बीजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के नए वीडियो में, आज के नए ब्लॉग में। और अभी मैं अपने गौशाला के पास हूँ, यहाँ पे ऐसे खेती बाड़ी का काम चला हुआ है, ये प्याज वगैरह लगाने का काम चला हुआ है। यहाँ पे माता प्याज निकाल रहे हैं और उस सामने वाली उस पे क्यारी पे हमने प्याज लगाया, मैंने आपको दिखाया। अभी मैं जाऊँगा, थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हुई है हमने, एक दिन पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने लकड़ियाँ काटी थी आपने जो हमारी गौशाला थी उससे काफ़ी ऊपर वाले उस वाले तरफ से, तो वो लेके आऊँगा घर पर अभी। और ऐसे शाम का टाइम है, अब रात हो रही है धीरे धीरे, तो माता यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से अगले वाले दिन में, अगले वाले ब्लॉग में। दादी भी इधर बैठे हुए धूप सेक रहे हैं और मैं भी अपने आंगन में बैठा हुआ धूप सेक रहा हूँ। और साथ में जो घर पे किताबें आई थी ना, वो ये वाली मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी, प्रेम आश्रम, और मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। दादी केड़ी किताब ये? दादी पढ़े नहीं यार, बड़े दुख की बात है। तो इस बुक का क्या सीन है कि इसमें ना ऐसे काफ़ी सारे करेक्टर हैं और काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं, तो इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए कि हाँ। वैसे बुक तो काफ़ी अच्छी है मतलब ये वाली, और एक मैंने पढ़ ली जो अब्दुल कलाम वाली थी, उन्होंने पूरी पढ़ ली। और दादी भी अपने इधर धूप सेक रहे हैं। दादी कैसी है धूप? धूप कैसी है, है? दादी हिंदी नहीं समझते, धूपा कड़ा लग रहा, सुस धनिया धूपा, हाँ। अभी हम बैठे अपने चूल्हे के पास आग सेक रहे हैं, यहाँ पे हम दूध उबाल रहे हैं और ये रखा है दही बनाने के लिए दूध, तो इतना ठंडा मतलब है यहाँ पे, इतनी ठंड है कि दूध से दही बनने में दिक्कत हो जाती है। क्यों दादी? दादी बोल दो क्या पक्का है छोरू, दही दे दही दे कहना है, दही दे दही दे क्या हुआ है, क्या आई जा बुलाई थी, खड़ा हो काना ने एक तितली पकड़ी और इसको चिपका रहा है दीवार पे, हैं क्या ये देखो चिपका मुन्ना, इसको चिपका दे, लगा इसको इस पे, लगा लगा, ओए ओए ओ बदतमीज, ये ले ये आया मोटू, ओए कना गाड़ी दे मुन्ना, वो है गाड़ी देख ऊपर है उधर पड़ी है गाड़ी, जा ला इसको दे मेरे पास जल्दी जा, कपड़ों का हाल देखो उसने पूरा ऐसे। क्या क्या नाम है सरा? नहीं दादी ये संजू नो नहीं आई है, बोला है चोयो तीस अंदर चे पैक था ना ये, उस डब्बे पे लिखा हुआ था संजू बाबा, प्रेम मोटू बाबा, मोटू और गंजू बाबा, ये दादी बिल्कुल ओरिजिनल लगा है ना, हाँ। 200 रुपया ये लीतरा भाई, ये टोपी दास देखो इधर काना को, काना पैर साफ कर रहा है, ओए वो छोरू मामा।